अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। छोटा सुबदाना, अरे कौन है तू? देख मारे को ना गुड़न होती है और दूर है, मैं थारी मां ना हूं। भगवान जी हमें माफ कीजिएगा जो हमने हमारी तीवू के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। कर रही हो अनमोल? अम्मा तुम जानती नहीं लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आज हम मृदुला को अपनी शक्ल दिखाकर उसके होश उड़ा दिए। अब देखना वो कैसे उड़ते हुए हमारे पीछे आती है और अपने लोगों को हमारे पीछे लगाती है। हम जानते हैं कि हमारी सच्चाई जानने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करेगी और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उससे हमारी सच्चाई पता ना चले कि हम अनमोल हैं। अनमोल, मृदुला बहुत ही चतुर और चालाक है। उनको ये विश्वास दिलवाना कि तुम अनमोल नहीं तेवर हो इतना आसान नहीं होगा। जानते हैं मम्मा, इसलिए इस बार मृदुला के जाल बिछाने से पहले ही हम उसके जाल को काटने का इंतजाम कर चुके हैं। अब बस तुम देखती जाओ अपनी इस तूफानी के नए तेवर। इसे कैसे आंखों से ओझल हो गई? इतना सा काम दिया था वो भी तुम लोगों से ठीक से नहीं हुआ, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। तुम अगर घर जाकर किसी को बताया ना कि क्या हुआ था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसा? अगर कोई गलती की तो जानती हो ना मैं क्या करूंगी। मैडम जी आपका फोन। मैडम जिस लड़की को आप ढूंढ रही हैं वो रंगीला बार में है। रंगीला बार? इसका अलग हिसाब होगा मे भी है ना। इसे यहां से दूर हट। माफ कीजिएगा मैडम जी, हमने सारी साफ सफाई कर दी है, अब तो आप हमारी मदद कर देंगे ना। ए रानी, ये जो साफ सफाई है ना उसके बदले तुझे खाना मिलेगा और जो एक्स्ट्रा काम है ना उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, समझी? पैसा? लेकिन वो तो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप कहें तो हम फिर से साफ सफाई कर लेंगे, पोछा भी लगा लेंगे और आप कहें तो ये आपकी नकली उलझे हुए बाल भी सुलझा देंगे। दूर हट लड़की, ये बाल नकली नहीं है, असली है, बनाए नहीं है। सॉरी, हमें लगा फैशन में आपने ऐसा किया। खैर आप मदद कीजिए ना हमारी प्लीज। सुन लड़की, तेरे पास ना गहने हैं ना पैसे, बिना पैसे के तो नारंगी अपनी गर्दन नहीं हिलाती, जुबान हिलाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने पति और अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं। देखिए हम आपको पैसे तो नहीं दे पाएंगे लेकिन ढेर सारी दुआएं दे देंगे, हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। चुप। कहाँ ना सोचेगी नारंगी का मन किया तो? नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए हमें एक महीने की वैधता वाली मदद नहीं चाहिए, बस एक दिन के रिचार्ज वाली मदद चाहिए, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। दूर हट लड़की। दारू लेकर आओ।
देख कर नहीं चला जाता क्या? दारू कहाँ है? दारू लेकर आओ, जाओ। वेटर, साहब के लिए पैक बनाओ। मैडम, दारू का कैबिन बबलू सर खोलते हैं। यहाँ पे अभी है नहीं, दारू नहीं मिल पाएगी। क्या बोला? दारू नहीं मिलेगी? बार अभी खुला नहीं है और अभी आपको कुछ नहीं मिल सकता। मुझे कुछ नहीं मिल सकता? दारू लेकर आओ वरना मार दूंगा मैं, समझो? दारू चाहिए, दारू चाहिए, दारू चाहिए। अरे अगर दारू नहीं रखते तो चला क्यों रहे हुए जगह? दारू की जगह दारू नहीं तो क्या दूध मिलेगा? चाची, मत कीजिए इतना गुस्सा। ए लड़की, तू इस लड़के को जानती है? हाँ, यही तो हमारे पति है। पहले सोचा था मैं तेरी मदद करेगी, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी, समझे? लेकिन हेलो अनमोल, मृदुला के आदमी पता लगा लिए हैं तुम रंगीला बार में हो। क्या? पहुंच ही रहे होंगे। भगवान, सौरभ ने तो हमारी मदद करने से इनकार कर दिया, अब क्या करें? नहीं नहीं, नहीं। मनाना तो पड़ेगा ही, और कोई उपाय भी नहीं है। और कितनी दूर है? नारंगी मैडम, नारंगी मैडम, नारंगी मैडम प्लीज रुक जाइए, हमारी मदद कर दीजिए। आपकी थोड़ी सी मदद से ना हमारी बहुत बड़ी मुश्किल का हल निकल आएगा। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना मैडम। नारंगी ने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, चल जाए यहाँ से। बड़ी दादी सास जी के पैर में चोट लग गई है, आप ये कपड़े धो दीजिएगा। लीजिए। इस दस्तानी पर तो चंदन लगा हुआ है और गिफ्ट कार्ड पर भी चंदन था, इसका ये मतलब है ये दस्ताने उसी इंसान के हैं जो ये सारे हादसों के पीछे है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। देख के मेरी अल्हड़ जवानी, कितनों के बल्ब फ्यूज हुए। लड़की जो नाच रही है कौन है ये? वो क्या हालत होगी आप हरे बच्चे की? क्यों कर रहा है अपने साथ ये सब रजत?
शराबी तो दिन ब दिन बोराता ही जा रहा है। अरे दौड़ा दौड़ा के तो हमारे पैर भी दुखा दिए इसने। एक बात बताओ, तुम लोग इसे ठीक तो कर दोगे ना? वो क्या है ना, हमारे इलाज में बड़ा रिस्क है। इसमें मरीज ठीक हुआ तो ठीक, वरना पूरी तरह पागल हो जाता है। अरे जो भी हो, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। तुम तो बस इस नशेड़ी को यहाँ से लेके जाओ, हमें पला डाले, वरना हम उनके पागलपन की चिंता करेंगे ना तो एक दिन हम सब ही पागल हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, हम आपको समय बता देंगे। अरे जल्दी बताओ ना, कौन है ये? हमारे यहाँ काम करती है, बहुत कमाल की डांसर है ये। क्या तुम इसका नाम बता सकती हो? इसका नाम है तेवर। हमने तो झूठ बोल दिया, लेकिन नारंगी झूठ नहीं बोलेगी। ये लड़की कब से यहाँ काम कर रही और क्या नाम है इसका? तू कौन और तुझे क्यों जानना है इसके बारे में? मुंह खोलो और जवाब दो, तुम्हारे जवाब की कीमत दे रही हूँ। अनमोल, अनमोल हीरा है हमारे रंगीला बार का। उसके बिना हमारे रंगीला बार में रंग नहीं जमता। देखा नहीं तूने क्या मस्त ठुमके लगा रही है? तेवर, तेवर नाम है उसका। पिछले 2 साल से हमारे रंगीला बार में काम कर रही है और ये हमारी बेटी भी है। ये रखो मेरा कार्ड और कल सुबह मेरे घर आ जाना। ओके है ना कि तेवर बस वहीं जावे जहां उसे पैसा मिले। पैसा मिलेगा के? बहुत मिलेगा, बस कल सुबह ठीक 11 बजे आ जाना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम पकड़े नहीं गए। सोच रही है मैंने झूठ क्यों बोला? नारंगी ने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, चल जा यहां से। ए रुकमोटी, दारू लाने के लिए बोला था ना, हैं? क्यों नहीं लाए अभी तक? तुम्हें यहां से मर्दों के बीच थाट से बैठना है क्या? हैं? काम कुछ नहीं है। एक बार बोला ना, लेके आ दारू तो लेके आने का। हाँ, गरम दिमाग वाले भैया, सर अपने दिमाग को ना इन बर्फ के टुकड़ों से ठंडा कर लो और अपनी जुबान को भी साफ कर लो। ऐसे किसी औरत से बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? और हाँ, एक और बात, यहाँ आपके जैसे लोगों की जगह नहीं। भागो यहाँ, भागो, निकलो। पैसा तो बहुत लोग दे देते हैं,
पर इज्जत और सम्मान कोई नहीं देता, और तूने मुझे बिना जाने जो सम्मान दिया उसने मेरा दिल जीत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नहीं जानती कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। जा कर अपना मकसद पूरा। अब तैयारी करनी होगी अगले पड़ाव की, क्योंकि मृदुला कहां तक जा सकती है ये हम अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ, आज शाम को मृदुला नहीं होगी, तब ले जाना नुसेड़ी को, बाद में हम बोल देंगे। बर्फ बर्फ चाहिए मुझे, आइस आइस आइस। सुना बबुआ, हम तुम्हारे घर के कोनो नौकर ना है जो दौड़ते फिरेंगे। जाओ जो है उसी से पी लो। बर्फ बर्फ आइस लेकर आओ। अरे बाबा, जल्दी 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 जल्दी। पी लो। ओ नाइस। अरे ये तो खाली है। हा? और थोड़ा सा ठंडा। चल जाए, एक गेम खेलते हैं। फ्रीज फ्रीज। हम जम रहे हैं। जुबान बड़ी चलती है ना आपकी, बहुत ना निकलता है ना बबुआ। अब ये नहीं करेंगे बबुआ, चला जा बबुआ। तो अरे गिर गए मेरी। डोंट मूव। जीभ निकालो। जीभ निकालो और ओपन। नहीं हमारा समय आने तक इसका नशा तो हम उतारेंगे।
अरे कब आएगी मालकिन, कब से खड़े कतार में? अरे खाना कब? मिलेगा, सबको मिलेगा। तुम वहां क्या डस्टिंग कर रही हो? दियो बेटा, थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। दियो, क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल रात से आप कुछ नहीं खा रहे हो। नन्ही बुआ, मैंने कुछ देखा। प्रॉमिस करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। अच्छा ठीक है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब बताओ हमें। कल मैंने अनमोल माँ को देखा। दान का सारा सामान तैयार है, यहाँ रखा है। अक्कल है या नहीं? अब मैं बार बार वहां से उठाने जाऊंगी। जाओ जाकर उठा कर लाओ। माँ, बस कुछ दिन और, उसके बाद इस उल्टी खोपड़ी की खोपड़ी हम सीधी कर देंगे।